पांचवी चीज होती है कि कस्टमर को एंगेज करने के लिए, साथ में जोड़ने के लिए कोई ना कोई चीजों की एक्टिविटी करना। तो एक्टिविटी की प्रोसेस क्या होनी चाहिए? सबसे पहले अवेयरनेस देना। अवेयरनेस देने के बाद सेकंड क्या है? कंटिन्यू रखना। फिर क्या करना? कॉल टू एक्शन, एक्शन लेने के लिए तैयार करना। फिर क्या करना? ट्रस्ट दिलाना। फिर क्या करना? ट्राई करके ट्रस्ट दिलाना। ट्रस्ट दिला के रिपीट करना और रिपीट दिलाकर उसको रोल करना। ये सारी की सारी फिजिकल और मेंटल जो एक्टिविटीज हम करते हैं पूरे सेल्स के दरमियान, ये प्रोसेस से हम गुजरते हैं। हमें पता नहीं होता है, ये जाने अनजाने में होता है। क्योंकि किसी भी ग्राहक को जब आप पहले मिलते हो तो वो अवेयर होता है, उसके बाद वो सेकंड चीज के ऊपर आता है, वो आपके साथ कंटिन्यू दोबारा दो बार तीन बार जब आपको देखता है उसके बाद उसके माइंड में आता है कि चलो एक बार तो ट्राई कर लो, देख तो लो एक बार। और ये चीज आपके साथ हुई होगी जब आप डिजिटल मार्केटिंग किसी कंपनी का देख रहे होगे, फिर उसके बाद होता है कि चल एक बार ट्राई तो कर लो, बड़ा सब्सक्रिप्शन नहीं लेता हूं, एक छोटा सा ले लो। वो लेने के बाद होता है कि चलो अब ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि ये बढ़िया है, तो फिर हम क्या करेंगे? उसको रिपीट करेंगे और एक टाइम के बाद हम लेवल हो जाएंगे। तो ये साइकोलॉजी के साथ जब आप सेल्स करने की स्ट्रेटजी करते हो तो यहां पर दिखता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 प्रोसेस है। इसका मतलब ये समझना है मिनिमम 7 टाइम आपके कस्टमर का फॉलोअप आपके थ्रू आउट होना चाहिए। कितनी बार? 7। और हमारे वहां जो सेल्स टीम काम करती है वो 2 बाल में क्विट कर देती है। 2 बार फोन करेंगे, उठाया तो ठीक, नहीं तो फिर आगे कंटिन्यू नहीं करते। ये पूरी प्रोसेस उस चीज के लिए। उसके बाद 6ठी चीज होती है जो हमें लॉयल्टी प्रोग्राम्स प्लान करने होते हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर इतने प्रोग्राम अपने कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे कि 12 महीने का परचेस के ऊपर 1 महीने का फ्री, इन्वेस्ट करो आप 12 महीने 1 महीने का लेबल फ्री, उसके बाद परचेस या कलेक्ट करो पॉइंट और रिडीम करवाओ। मैं खुद गया था सूरत के अंदर है लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल में से मैंने खरीदी की, खरीदी करने के टाइम पर उन्होंने मुझे कूपन दी जिसको रिडीम करने के लिए उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया, और 3 महीने के अंदर उन्होंने बोला कि सर इसका आप यूटिलाइज कर सकते हो, इतना परसेंट डिस्काउंट है। 3 महीने के अंदर मैं और मेरे दोस्त जाकर वहां से खरीदी की, फिर से उन्होंने मुझे कूपन दी, और कंडीशन ये थी कि सर ये कूपन जो है वो ये वाले बिल पर नहीं होगी, नेक्स्ट वाले बिल पर होगी। और आज भी जब मैं सूरत जाता हूं मैं खरीदी करता हूं वही से। तो परचेस अगर हम एक्स अमाउंट को लेकर कर रहे हैं तो हम फ्री दे सकते हैं एक्स सर्विस या टैक्स के अंदर बेनिफिट या कोई भी चीज, मतलब ये आपको अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से डिजाइन करना है कि आप अपने कस्टमर को क्या दे सकते हो। तो इस तरीके से भी आप लॉन्ग टाइम के लिए अपने कस्टमर को जोड़ सकते हो। 6 ऐसी चीजें हमने यहां पर देखी हुई है जो हमें मार्केटिंग और ब्रांडिंग में करना है। क्लियर है ये चीज? किसी को कोई क्वेश्चन है कि नहीं है? नहीं तो अगला क्वेश्चन मुझे तो है। व्हाई डू वी डिसलाइक मोस्ट अबाउट इन सेल्स? क्या चीज ऐसी है कि जो सेल्स के अंदर जब हम बेचते हैं तो क्या हमें पसंद नहीं होता है? ऑब्जेक्शन। ओके। बार्गेनिंग और प्राइस वॉर। थोड़े टाइम के लिए आप अपने कंपनी के ऑनर नहीं है, आप अपने कंपनी के कस्टमर हैं। तो थोड़ा टेबल चेंज करते हैं, जगह चेंज करते हैं और थोड़ा अपने आप को हम उस चेयर के ऊपर बिठाते हैं जहां आपके ग्राहक बैठते हैं। तो आपके ग्राहक के माइंडसेट से आपको सोचना है कि आपका सेल्स वाला जब बेचने के लिए बैठा है तो कस्टमर अगर नहीं खरीद रहा है उसकी क्या क्या वजह होती है वो आपको बतानी। कंप्लेंट होती है। ओके। कंपेरिजन होती है कि इससे तो बेटर वहां मिल जाएगा। यस। और रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, सैंपल ट्राई करने को इरादा नहीं है, सैंपल ही ट्राई करने के लिए तैयार नहीं है। ओके। और
प्रोस्पेक्ट ही नहीं है। डोंट वांट टू ट्राई न्यू, ऑलवेज ट्राई करते हैं कि कुछ नया मिले और नई नई जगह वो जाना पसंद करते हैं। अरे अजी आंती सारू जोई छे, અજી અંતી સારું જોઈએ છે અને સારાનું કોઈ ડેફિનેશન હોતું જ નથી, જોયા જ રાખતા હોય. ઓકે ગ્રેટ. ઓર વિચારીને કહેશું ફિર. યે જીતને ભી ઓબ્જેક્ટિવ આપ લોકોને બોલે જો ઓબ્જેક્શન માર્કેટ કે અંદર આતે હૈ, કભી આપને ટાઈમ નિકાલ કર ઇસકા ધુઆધાર કે આન્સર હોના ચાહીએ, ઉસકે ઉપર હમને કામ કિયા હૈ. यस या नो? अब इसके ऊपर हमने अगर टाइम नहीं दिया है और इसके आंसर शीट अगर हमने तैयार नहीं किए हैं, तो बार बार आप या आपकी टीम यहां पर आके बाउंस बैक करेगी, रुक जाएगी. तो मेरा यह रिकमेंड है कि आप लोगों को पूरा का पूरा एक SOP तैयार करने की आवश्यक है या क्वेश्चन आंसर्स करने की आवश्यक है कि जब आपके वहां फ्री टाइम हो या जब आपके पास टाइम अवेलेबल हो, आप अपने वहां एक प्रैक्टिस कीजिए कि आप खुद कस्टमर बनिए और सामने वाले को सेल्स पर्सन बनाइए और क्वेश्चन आंसर्स कीजिए, डेमो कीजिए. और उस डेमो के अंदर जितने भी क्वेश्चन निकल कर आते हैं उसके आंसर शीट आप तैयार कीजिए. ये हमने खुद ने बिल्ड किया हुआ है हमारी कंपनी के अंदर और ये खुद ने हमें कई कंपनियों के अंदर जाकर बिल्ड करवाया है. अब ये करने से फायदा क्या होता है, आपका सेल्स जहां रुक जाता है वहां पर आपके टीम मेंबर को बोलने के लिए कोई लाइन मिलती है, नहीं तो ज्यादातर लोग जो है वो वहीं पर अटक जाते हैं. क्लियर हो रहा है? तो क्या चीजें अब वहां पर हमें आंसर देना है. क्वेश्चन तो आप लोगों ने बता दिए, अब आप लोग अपने अकॉर्डिंग आंसर बताइए. आंसर जिसका बेस्ट होगा वो इसके हकदार होगा. अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आपको मिलता है तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्शन बताना है और उसका आंसर बताना है. यस अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, बाद में हो तब आप बताना. ओके अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, जब बाद में हो तब आप बताना. ग्रेट. और समझो कि आपकी टीम आपके साथ बैठी है और वो आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स कर रही है कि मैंने ये सेल्स किया या ये मैंने डील की, इसमें मुझे ये चैलेंजेस आए, तो आप उसको क्या सॉल्यूशन दोगे? या आप खुद अगर सेल्स कर रहे हो तो आपको क्या सॉल्यूशन मिलना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ों के ऊपर बातचीत ही नहीं करते. काम करेंगे, मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, लेकिन इसके पीछे टाइम नहीं निकालते. यस હું જેની ક્વોલિટી વાપરું છું એવી ક્વોલિટી તમારી નથી, તો આપણે આન્સરમાં એ પૂછી શકીએ કે એ જેવી ક્વોલિટી તમને જોઈ છે એવી મને કયો તમને આપું છું. ગ્રેટ.